अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, माय नेम इज मिस समीना। आई एम योर उर्दू टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा नया हरूफ है, हरूफ तहजी, वो है के ऊपर एक नुक्ता, के ऊपर एक नुक्ता। अब मेरे पास से चार तस्वीर है जिसको हम पढ़ लेते हैं। जेवर, 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 जर्दी, 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 जेब्रा, 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 जंजीर, जंजीर, जंजीर। ठीक है बच्चों, हमारे पास ज से चार तस्वीर जिसको हमने अभी पढ़ लिया है। इसकी जो ज की जो आवाज़ निकलेगी वो है के ऊपर एक नुक्ता, के ऊपर एक नुक्ता, के ऊपर एक नुक्ता। अब आ जाते हैं बच्चों हम कॉपी वर्क की तरफ। टेक आउट योर उर्दू कॉपी। पास अपने उर्दू की कॉपी खोलिए। आज का हमारा हरूफ क्या था बच्चों? क्या था? सवाल। यहाँ पर हम सबसे पहले डेट लिखेंगे। राइट डाउन द डेट। सवाल पढ़ लेते हैं। पर पेंसिल फेरे और रंग भरे। ठीक है, सवाल क्या है? पर पेंसिल फेरे और रंग भरे। सबसे पहले आपको पे पेंसिल फेरना है। नुक्ते से नुक्ता मिला के नीचे आना है। झटके से हमें नीचे आ जाना है। ठीक है, और के ऊपर एक नुक्ता, के ऊपर एक नुक्ता। अब यहाँ पर क्या तस्वीर बनी हुई है बच्चों, जो हमने पढ़ा भी था फ्लैश कार्ड में? जंजीर, 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 जंजीर। अब यहाँ पर हम दो लाइन पे पेंसिल फेरेंगे। अ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। अ बना के झटके से नीचे आना है और ऊपर एक नुक्ता। अ बना के नीचे आना झटके से, ऊपर एक नुक्ता। ठीक है बच्चों, अब हम जंजीर पे रंग भरेंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है आप वो रंग भर सकते हैं। ठीक है, कलर करने से आपका वर्क और अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो कलर सब बच्चे कलर करेंगे। बच्चों ये क्या बना हुआ है? हम किस पे रंग कर रहे हैं, किस पे रंग भर रहे हैं हम? ये क्या बना हुआ है? इस तस्वीर का नाम दिल्ली से बताइए मुझे। कौन बताएगा मुझे इस तस्वीर का नाम दिल्ली से? वेरी गुड। जंजीर, जंजीर, जंजीर। अब आ जाते हैं हम खुशखती की तरफ। ठीक है बच्चों, खुशखती करनी है। इस पेज पे भी आपको डेट लिखना है। राइट डाउन द डेट। चले अभी हम यहाँ पर पेंसिल फेरेंगे और आखिरी की दो लाइन हम खुद से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चले आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। अच्छा, इसकी आवाज़ क्या होगी बच्चों? जर्दी, 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 जर्दी,
जेवर जंजीर सही है बच्चों, आ बना के हमें झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता, आप दोनों आपको खुद से लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? ये जो आपको नुक्ता दिया गया है ना, नुक्ते पर अपने पेंसिल की नोक रख के आ बनाना है, झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता, आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता, आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता, आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता, आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता, वेरी गुड, आ बना के नीचे झटके से आना है, ऊपर एक नुक्ता, वेरी गुड, आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं झुकनों की तरफ, ठीक है। अब सब अपने झुकनों की बुक निकालिए, पेज नंबर है 43, ठीक है बच्चों, आप पेज नंबर 43 आपने निकाला। राइट डाउन द डेट, सवाल पढ़ लेते हैं हम। पेंसिल फेरे और लिखे, हमें पेंसिल फेरना है और साथ में लिखना भी है। अच्छा बच्चों, इसकी आवाज़ क्या थी? क्या मैंने आपको बताया था इसकी आवाज़ क्या थी? क्या है? के ऊपर एक नुक्ता, के ऊपर एक नुक्ता। अब यहाँ पर तीन तस्वीरें जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, एक मरतबा फिर पढ़ लेते हैं हम। जंजीर जंजीर जंजीर, जेब्रा जेब्रा जेब्रा, जर्दी जर्दी जर्दी। अब यहाँ पर आप दो लाइन पेंसिल फेरेंगे और आखिरी की एक लाइन आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता, आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता, आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता, आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। अब एक लाइन आपको खुद से लिखनी है। आप देखें यहाँ पर एरो दिया गया है, ठीक है। एरो कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, यानी हमें यहाँ पर आ बनाना है और फिर क्या करना है, झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता, वेरी गुड। आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता, ऐसा ही अच्छा अच्छा वर्क करेंगे सब। आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता, आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता, आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। अब बच्चों ये जो तीन तस्वीर है इस पे हम रंग भर लेंगे। अच्छा बच्चों, अभी हमें ये तीन तस्वीर पे क्या करना है, रंग भरना है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, जंजीर होती क्या है, हम एक ही चीज़ पे इस्तेमाल करते हैं हम, यानी कि कब इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, सब बच्चों के घर में साइकिल तो होगी, है ना। हम जब अपनी साइकिल को लॉक करते हैं तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? जंजीर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? जंजीर का। तो हम चले जंजीर पे कलर कर लेते हैं, रंग भर लेते हैं। मैंने इस पर ब्राउन रंग किया है। कलर सब अच्छा अच्छा कलर करेंगे, ठीक है।
ठीक है बच्चों, ये रंग हो गया। अब दूसरी तस्वीर क्या है हमारे पास, ज से क्या है, जेब्रा। अब आपने जेब्रा कहाँ देखा है? मैंने तो जू गार्डन में देखा है, आपने भी यकीनन जू गार्डन में देखा होगा। ये किस रंग का होता है बच्चों? काला और सफ़ेद रंग का होता है, ब्लैक एंड वाइट रंग का होता है। ठीक है, अब इस पर भी हम रंग भर लेंगे, हम इसको पूरा ब्लैक नहीं करेंगे, क्योंकि जेब्रा जो है वो दो कलर का होता है, एक है काला और एक है वाइट। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको रंग भरना है। अच्छा, ठीक है। अब आप इसको एक एक छोड़ के आप इसको पूरा फिलअप करेंगे और मुझे इसकी पिक्चर सेंड करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना कैसे कलर करना है इस पर। ठीक है बच्चों, ये मैंने कलर कर लिया है पूरा। ठीक है, आप तीसरी तस्वीर देख लेते हैं वो क्या बनी हुई है हमारे पास, जर्दी। जर्दी, जर्दी कहाँ, किसने देखी जर्दी कहाँ होती है? हम जो एग खाते हैं ना बच्चों, जो मम्मा एग, जब एग को जब मम्मा तोड़ती है तो आपने देखा होगा ना उसके कौन सा कलर होता है उसके अंदर, वाइट एंड येलो, येलो कलर की जर्दी होती है। ठीक है, तो हम इस पर हम कौन सा कलर रंग करेंगे, येलो। और बच्चे शौक से खाते भी सुबह ब्रेकफास्ट में, कौन कौन खाता है, और ये बहुत हेल्दी है। ठीक है, सबको ब्रेकफास्ट में अंडा खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं सफ़ा नंबर 44 पे। ठीक है, पेज नंबर 44। ठीक है, सवाल पढ़ लेते हैं, ज की चीज़ों से मिलाइए, ज की चीज़ों से मिलाइए, यानी कि ज से जो जो चीज़ें आ रही है उसे हम किससे मिलाएंगे, ज से। ठीक है, पहले तो हम इसे पेंसिल फेर लेते हैं, ज के ऊपर एक नुक्ता। अब यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, जिप, जिप, जिप। ठीक है, अब खरगोश ज से आता है, नहीं तो हम इसे मिलाएंगे बिल्कुल भी नहीं, वेरी गुड। अब यहाँ देखिए क्या है, जिराफा, जिराफा। ठीक है, हम इसे मिलाएंगे, चिड़िया को मिलाएंगे इसे बच्चों, नहीं मिलाएंगे, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, जेवर को मिलाएंगे इसे, जी बिल्कुल मिलाएंगे, वेरी गुड। अब इन तीनों पे आपको रंग भरना है, अच्छा सा रंग भर के मुझे आपको इसकी पिक्चर भेजनी है। आप आ जाते हैं सफ़ा नंबर 45, सफ़ा नंबर 45, पेज नंबर 45 आपने निकाला बच्चों, डेट हर पेज में डालना लाजमी है। सवाल पढ़ लेते हैं, दायरा लगाइए और लिखिए, दायरा लगाइए और लिखिए। अब यहाँ पर एक दायरा लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है, जबान पे, जबान, जबान है ना, सबके पास है जबान, है ना, तो किस पे दायरा लगा हुआ है, जबान पे लगा हुआ है, और जबान की जो शुरू की आवाज़ किससे आ रही है, से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ देखते दूसरी तस्वीर क्या है, जंजीर, जंजीर से आती है, तो हम इसे दायरा लगाएंगे, टेलीफोन को दायरा लगाएंगे हम बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, जेवर, वेरी गुड, जेवर को हम दायरा लगाएंगे। अब हम अपनी ट्रेसिंग शुरू करते हैं, पेंसिल फेरना, ज़,
आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। आ बना के क्या करना है बच्चों, झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। वेरी गुड। आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। आ बना के क्या करना है बच्चों, झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। वेरी गुड। अच्छा, आप आखिरी की जो तीन लाइन है वो आपको खुद से लिखनी है, एक लाइन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ आपको मैंने आपको बताया था ना बच्चों, एरो जो है वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि आ बनाना है, यानी नीचे की तरफ आना है हमें। आ बनाया, झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। एरो के ऊपर कोई नहीं लिखेगा, एरो से हटके काम होगा, ताकि आपको नजर आए कि एरो किस डायरेक्शन पे जा रहा है। ठीक है, आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। आ बना के झटके से नीचे आना है, ऊपर एक नुक्ता। अब बच्चों आपको जुगनू की बुक के तीन पेज और अपनी उर्दू की कॉपी के दो पेज करने हैं। हर पेज में आपको रंग भरना ज़रूरी है, ठीक है, इससे आपका वर्क बहुत अच्छा लगता है। और जब बच्चे कलरिंग करते हैं ना, तो उनकी कॉपीज बुक्स वगैरह और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, ये काम करने के बाद इसकी पिक्चर आप मुझे ग्रुप में सेंड करेगी, मैं आपका वर्क चेक करूँगी, आपकी करेक्शन करवाऊँगी। जिसको कुछ समय में ना आए मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।